नमस्कार किसान भाइयों, डिजिटल खेती में आप सबका स्वागत है। आज हम मिट्टी प्रयोगशाला में और मिट्टी किस प्रकार से उनका परीक्षण किया जाता है, नमूनों को चेक किया जाता है, ये हमारी मिट्टी परीक्षक की परीक्षण करने की मशीन है। इसके थ्रू हम सारे तत्व की जो उनके एनालाइज करते हैं, हमें पता चल जाता है मिट्टी में कितना पीएच है, कितना एसी है, कितना नाइट्रोजन है, ऑर्गेनिक कार्बन है, जिंक है, जो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं सोलर, सभी के हम इनसे निकाल सकते हैं। तो सर्वप्रथम सर, जो हमारे पास नमूना आता है, किसान ये जो नमूना लेके आता है उसमें किसान का पूरा पता रहता है, उसका नाम रहता है, उसके पापा का नाम रहता है, गांव, पंचायत और कौन से विकास पंचायत है। अब इस नमूनों को हम पीस कर मिट्टी परीक्षण के लिए 100 ग्राम देते हैं। ये 100 ग्राम मिट्टी हमने छान के ले लिया, उसके बाद हम टेस्ट मशीन से 10 ग्राम मिट्टी यूज करते हैं पीएच के लिए। पीएच निकालने के लिए 10 ग्राम मिट्टी हम उसमें तोड़ लेंगे। 10 ग्राम मिट्टी तोड़ने के बाद उसमें 20 एमएल डिस्टिल्ड वाटर मिला देते हैं। तो यहाँ ऑप्शन देता है पीएच निकालने के लिए, ये जो छड़ है पीएच निकालने के लिए, इसको हम बोतल नंबर एक जो सॉल्यूशन है उसमें हम डुबाते हैं, जिससे पीएच सेलिब्रेट हो जाता है, कैलिब्रेट हो जाता है। ये रीडिंग सेट करने के बाद हम नमूने का पीएच निकाल सकते हैं। पीएच निकालने के बाद अब हमें ईसी निकालना है। ईसी निकालने के लिए हमें इस मिट्टी को 15 मिनट रखना है। 15 मिनट रखने के बाद जब पूरी मिट्टी नीचे बैठ जाए भीतर में, उसके बाद ऊपर पानी रह जाए, उसके बाद इस छड़ से इसका ईसी विद्युत चालकता हम निकाल सकते हैं।